आपने राजा महाराजाओं को तो राज करते हुए सुना है, लेकिन आपने बिल्लियों का राज करते हुए सुना है। तो जाने कि प्राचीन मिस्र बिल्लियों को कैसे राजाओं में सम्मानित किया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग हजारों सालों के कई जानवरों की पूजा करते थे और जानवरों को विभिन्न कारणों से सम्मानित किया जाता था, जैसे कुत्तों को उनकी रक्षा और शिकार करने की क्षमता के लिए मूल्यवान माना जाता था, लेकिन बिल्लियों को सबसे खास माना जाता था। मिस्र वासियों का मानना था कि बिल्लियों में जादुई ताकत थी, जो कि उन्हें रखने वाले लोगों के लिए सौभाग्य लाने में सक्षम थी। इन्हीं कीमती पालतू जानवरों का सम्मान करने के लिए अमीर परिवारों ने उन्हें गहने पहनाए और उन्हें रॉयल्टी के लिए उपयुक्त व्यवहार किया, और जब बिल्लियां मर गई तो उन्हें मम्मी बना दिया जाता था। और माना जाता है कि शौक के संकेत के रूप में बिल्ली के मालिकों ने अपनी बूहें मड़वा ली और तब तक विलाप करते रहे जब तक कि उनकी बूहें वापस नहीं आ गई। प्राचीन मिस्र की कला हर प्रकार की बिल्ली की मूर्ति को चित्रों को दिखाती है, और उनके कानूनों में बिल्लियों को इतनी खास दी थी कि उन्हें मारने वालों को या तक की गलती से भी मौत की सजा दी जाती थी। मिस्र की पौराणिक कथाओं में अनुसार देवी देवताओं में खुद को अलग अलग जानवरों में बदलने की शक्ति थी। कहा जाता है कि केवल एक देवता बालिस्ट नाम की देवी के पास बिल्ली बनने की शक्ति थी। पेरबस शहर में एक सुंदर मंदिर बनवाया गया था और इनकी भव्यता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे।